उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां हॉट सीट कही जाने वाली देवबंद विधानसभा में वो पहुंचेंगे और डोर टू डोर जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर अमित शाह पहुंचे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी विजय कुमार शुक्ला जी, भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, यहां के लोकप्रिय नेता और मेरे मित्र केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिन्होंने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इमारत को एक एक ईंट रखकर गढ़ने का काम किया है, ऐसे हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, सदर के विधायक और भावी विधायक कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, बुढ़ाना के प्रत्याशी भाई उमेश मलिक जी, खटोली के प्रत्याशी श्रीमान विक्रम सैनी जी, पुरका जी के विधायक और प्रत्याशी प्रमोद उपवाल जी, चरखावल के प्रत्याशी श्रीमती स्वप्ना कश्यप जी, मीरापुर के प्रत्याशी श्री प्रशांत गुर्जर जी, हमारे पूर्व सांसद यहीं के नेता भाई सोहन सिंह जी, श्रीमती अंजू अग्रवाल अध्यक्षा नगर पालिका परिषद श्री सतपाल जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों आप सभी को नमस्कार। भाई वो कोनों में जरा बोलना बंद कर दो आप, जरा या तो आप मंच पर आकर बोलो। मित्रों आज चलो हो गया बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अरे आप भी बैठ जाओ। मित्रों आज ये सेट करके बैठ जाओ, टीवी वाले सेट करके नीचे बैठ जाइए, आप सारे लोग नीचे बैठ जाइए ना प्लीज। बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर आया हूं, सबके चेहरे दिखाई पड़े हैं। मित्रों बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर की एक वीर भूमि पर मैं आया हूं। यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में दूधली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का विकल्प फूकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की, श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं, तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजर गए। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना लिया। खैर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं।
फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से थमा दिया। यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यही से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ करती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की नींव डाली जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है। जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश को हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। जब हम वादा करते थे तो काफी सारे लोगों को लगता था इतनी विकट कानून और व्यवस्था की परिस्थिति कैसे सुधरेगी। मित्रों, मैं 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार। पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया तो बहन जी की पार्टी है वो आती थी तो एक जाति की बात करती थी, कांग्रेस पार्टी आती थी तो परिवार की बात करती थी और अखिलेश बाबू आते थे तो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल हो गए, ना जाति की बात है, ना परिवार की बात है, ना गुंडे माफिया तुष्टीकरण की बात है, बात है तो सुरक्षा और विकास की बात है और कोई बात नहीं। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहां, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। मित्रों, और ये रिकॉर्ड है, लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई, हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है, अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया, आप आपके शासन के आंकड़े
और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करे क्योंकि उनके पास बताने को करे। मित्रों ये वोट जो है ना वोट बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं कबीर साहब का एक दोहा मैंने मथुरा में भी कहा था, यहां पर भी कहना चाहता हूं। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कभी लोहा एक है गढ़ने में फेर, ताकि का बुस्तर बने ताकि की शमशेर। उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वो तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक राज्य बनेगा। मित्रों उत्तर प्रदेश देश का नंबर, मित्रों मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्यवाही की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया और हजारों हजारों के फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की बधाई दी। चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो, पर दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछने आया हूं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया हूं, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया हूं कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं नहीं तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। मित्रों जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है इससे हमारी बात इस सही निकली है कि हमने यहां पर कानून का राज स्थापित किया है। तो मुजफ्फरनगर से अमित शाह को सुन रहे थे आप, संवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और वहीं से अखिलेश यादव पर जमकर बरसते हुए भी गृहमंत्री अमित शाह नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।